बचपन, पचपन और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद। मुफाद आम्मा का आलमबरदार, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हमारे सर मोहतरम प्रोफेसर रिजवान खान साहब की हिम्मत में लाइक पेश करने के लिए मैं हवाल दूंगा मोहतरम हारून अख्तर साहब को, जो हमारी हुकूमत के सदर भी है, सब तशरीफ लाए और हमारे सदर मौसूम का मुल्क के जरिए इस्तकबाल करें। प्रोफेसर मदी नज़ीर सर को आवाज़ दूंगा जो तशरीफ लाए और मोहतरम सलीसा अंसारी साहब जो अशमी आवाज के लीडर और जुम्मन मेहमान अदब के इंतहाई खैर था और जब से जुम्मन का क्या हुआ है तब से लेकर आज तक के वो जुम्मन की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। उनके बाद हमारे अहमद शफीक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल मर्की सर की खिदमत में बुलाए पेश करें। ये भी हमारे जुम्मन के मेहमान अदब के खैर था और हम तमाम के साथ साथ मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारे दीगर मेहमान का अभी किसी वजह से तशरीफ नहीं ला सके, वो दौरान प्रोग्राम जब भी आ जाएगा उन पर इस्तकबाल किया जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ज़ाहिर उद्दीन सिद्दीकी साहब ये हमारे आज के तजिया निगार उनकी खिदमत में भी मैं सदर जुम्मन हारून अख्तर साहब से इल्तिमास करूंगा कि वो यहाँ पहले बोला थोड़ा ऊपर। ये नशिस्त हमारे शहर के मशहूर ड्रामेटिस्ट मिस शेख साहब की याद में मुनक्किद की गई है और इनके ही बारे में चाहता हूँ कि तासरात हमारे मोहतरम सलीसा अंसारी साहब के तासरात पेश करें। उन्हें इंतहाई अदब से मैं दावत दूंगा कि तशरीफ लाएं और फिर मोहतरम अमित शेख साहब के मुताबिक अपने तासरात पेश करें। अंजुमन मुख्तार अदब के 162 में नशीश के बाद आज जो विशेष साहब की याद में प्रोफेसर रिजवान खान साहब एक काबिल शख्सियत उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल मर्की साहब जहीद कुछ साहब आए नहीं सदीक साहब और सामने बैठे हुए मौजूद शहर सलाम उम्र में हमीद शेख साहब अमीर शेख साहब मैं सियासी तौर से जब भी प्रांत आती जाता था वो कचहरी जाता था तो वहाँ मुझे एक सीधा साधा उस जमाने के साथ इंतहाई शरीफ सीधा साधा नौजवान जो हवाई अड्डे में गरीब परवर उनसे मुलाकात हुआ करते थे। आते जाते उनकी सिखाई पर मेरा मेरी नज़र पर पड़ी और हमारा उनका मुलाकात है उनका सिलसिला जारी रहा। बहुत से वो काम चाहे उस जमाने में करते थे राशन कार्ड वगैरह का और दूसरी चीज़ों पर राजधानी से जाना होगा और हर मोमिन के लिए एक शेर है कि हम ईमान वाले तो हर तरीके से हमें नेकी का काम करना चाहिए और उसके लिए बहुत कुछ देना चाहिए करना चाहिए। तो आशमी आवाज
1986 में हमें जारी किया। उस वक्त असल में क्या है कि मेरा अपना मिजाज जो है उन लोगों के बस में अप्लाई करने का शुरू से ही था, क्योंकि मैं भी बहुत छोटा था, बहुत कम पढ़ा लिखा था, मजदूर था। इसलिए वो जो गुर्बत मुझे मिली है जो मेरे मालिकाओं में उससे पहले, तो वो गरीबी का जमाना और आज भी मैं उसको याद करता हूँ। ऐसे जो लोग मेहनती होते हैं, कष्ट होते हैं और उस किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरी फितरत है कि कोई हमारा कमाल नहीं है, अल्लाह की मदद दे नहीं, कि मैं उनकी हौसला तय करने की कोशिश करता हूँ। इसी सिलसिले में बहुत साल पहले गुलशनी अखबार यानी कारण भाग्यवान निकलता है, अभी डेढ़ साल बंद, तो गुलशन अखबार में छोटे छोटे बच्चे जो है वो कहानियां लिखे थे, तो उसके मुलाकात से हमने बस में अखबार कायम किया। अब ये आसिफ अखबार मिर्जा वगैरह उस जमाने में और ये ख्याल असर असर छोटे छोटे थे, आज उनको टाइम से लेते थे। उसका प्रोग्राम वहाँ जामिर सौर्या के पास वहाँ अक्सर हुआ करता था। अच्छा, इसी ख्याल से अब वो बस में अखबार अब एक आह्वान करने लगा, उन्हीं बच्चों ने लिया था बस में अखबार। अब ये सोचता था कि मैं ये उसी अखबार में हाशिया में छोटे छोटे नौजवान 14-15 साल मेरा ख्याल है ऐसे ही रहे होंगे, ये अफसाना छोटे छोटे लिखते थे, तो मैं जो काबिल नहीं हूँ लेकिन जो थोड़ी सी गलती की होती थी उसको मैं दुरुस्त अपने हिसाब से दुरुस्त कर लेता था ताकि और छाप देता था, तो इनके हौसले बढ़ जाते थे, रंग जाते बच्चों के नौजवान। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना अंजुमन हाशमी आवाज, इसी तरीके से अंजुमन तकीबुल कुरान के जरिए से गुलाम मोहम्मद बड़ा बड़े अंदाजी लोग खाने में उसकी एक निश्चित मस्जिद में जाते, तो कम से कम जो लोग नमाज नहीं पढ़ते यहाँ आकर के, तो इस मकसद से मैंने गुलाम हिंदी दवाखाना में तकलीफों पर आंदोलन तकलीफ पढ़ा और उसके भी अच्छे से प्रोग्राम हुए, आज भी जाना चाहिए। अब आई बाई 24 साल पहले मेरे दिमाग में छोटे बच्चों की जो और हौसला अफजाई थे जो खुशी में और मुख्य थे, मैं थोड़ी से कुछ जितना हो सकता लगता कि इनके हौसले कर, उसमें यह हुआ कि मैंने अपने दिमाग में आया कि अंजुमन वहीफान हाशमी आवाज नाम की तंजीम बनाई जाए, इसमें मैंने उस वक्त की बात, तो हमारे अपने हावत का साहब सर बनाया आसिफ कुमार मिर्जा साहब को जनरल सेक्रेटरी और हमारे कायद मंदिर सिद्दीकी साहब को जो है ना जनरल सेक्रेटरी, इसी तरीके से हैदर शरीफ साहब आते थे, ऐसे सारे नौजवानों को मैंने वहाँ जमा किया और हवाई मस्जिद जो है इन लोगों को गुलाम महमूद बना बड़ा साहब एक इंदाई दवा खाने में वो होती थी और लोग उसमें इन नौजवानों के हौसला बढ़ाने के लिए, इन नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या बोलूँ कि हमारे इकबाल बाजी साहब हैं, अमित शेख साहब खास तौर पर हमें बताओ बेचारे वो रहते थे कहाँ घर जाते थे रमजान पुरा के आगे, लेकिन वो बारिश में ठंडी में तभी ठंडी में बारिश में धूप में बेचारे वहाँ से आते थे, और बड़ा मुझे एहसास होता है जहाँ गाँव बना से हमारे सब लोग डॉक्टर वसीम भैया से बिक्की से तुलसी साहब हमारे डॉक्टर अखबार बर्फी साहब और डॉक्टर कथारवा साहब और बहुत से ऐसे लोग बेचारे आते थे वहाँ, जिसमें अमित शेख साहब बहुत माया है, अल्लाह उनके करवाए और उनको जो है ना बहुत ही अपनी रगतों बरकतों से उनके बच्चों को मिला। तो अब एक बात ये एक शेर है, देखो छोटों को है अल्लाह कितना बड़ा ही देता है, देखो छोटों को है अल्लाह कितना बड़ा ही देता है, आँख के दिल में है आसमान दिखाई देता, आँख के दिल में है आसमान दिखाई देता। एक हिंदी का दोहा है तो दिन खाना इसी सिलसिले में रहीमन देख बड़े को लगुना दीजिए धार, रहीमन देख बड़े को लगुना दीजिए धार, कहाँ काम आए सही
कहाँ कहीं करवाए। अब तो मेरे खानदाना साहब कहते हैं कि जो छोटी चीजें उसको नजरअंदाज मत करो, उसको अपनी नजरों से मत गिराओ, क्योंकि उसकी बड़ी हंगत हो रही है। जैसे उन्होंने मिसाल दिया कि सुई कांटा चुभ जाए तो तलवार से नहीं जा सकते, तलवार बड़ी चीजों की इसलिए छोटी, तो उस सुई को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जो जहाँ सुई काम आती है वहां तलवार, जहां तलवार काम होता है वहां पर सुई काम, तो किसी को छोटा बड़ा नस नहीं। अब इन नौजवानों के अंदर जो हौसले अमित शेख साहब ने और दूसरे हमारे जितनी मौसम शख्सियात गए उनके हौसले बढ़ाने में इश्तार करने में जो लोग पेश पेश थी, एक हमारे बहुत बड़े कारण याद थे, मैं उनका मिसाल देता हूँ। अल्लाह तला उनको जो है वो देखते हैं मरूम होते हैं और जब उनके दोस्त में देखा जाता है, मैं बिल्कुल चौक में अखबार खरीद करता हूँ, इस प्रकार के मिलते हैं पंजाब में आशी आवाज पढ़ते हो बिचारे बहुत अजीम पत्रकार मिला है। तो उन्होंने कहा कि आप तो हाशमी आज तो बच्चों का अखबार बना दिए, हम उसे नहीं पढ़ते, हम तो पाकिस्तान में छपते हैं, ईरान में छपते हैं, लंदन में छपते हैं। मैंने कहा सर माफी चाहता हूँ, जब आपने पहला अखबार लिखा होगा तो क्या वो भी पाकिस्तान में छपता था, क्या वो भी लंदन में छपता था, क्या वो भी ईरान में छपता था? आज के बच्चे जो है जो इनको आप देखिए बच्चों का अखबार, यकीन मुझे पक रहा है कि तक बच्चों का अखबार है, उसमें शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन ये एक दिन ये बहुत आगे जाएगा, ये हम चाहते हैं। और वही बच्चे है ना कि देखो छोटों को है, ये देखो छोटों का है, अल्लाह कितना बड़ा देता, आज कितने जो है आसमान दिखाई देता। ये नौजवान लोग जिनकी हौसला अफजाई हरीश शेख साहब ने की, डॉक्टर इकबाल बाकी साहब ने की, डॉक्टर इफ्तार अहमद साहब ने कहा की, डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहबान ने की, इमरान जमीन साहब ने की, हमारे नई सर साहब सलीम साहब आते थे इन्होंने की उस जमाने के साथ थे, तो ये बच्चे आपके सामने। अब आप हमसे ज्यादा जानते हैं कहाँ खा सकते हैं, टीवी पर आते हैं कहाँ खा सकते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। तो हमीद शेख साहब के खिलाफ अंजुमन, अच्छा अंजुमन हाशमी आवाज करके कई नशस्तों के 20-21 पते लोग या और उसके पीछे बाद ये हुआ कि दवा खाने की जगह मरीज आने लगे तो जगह कम पाती गई, तो सरकार का नहीं सर उनकी भी बड़ी खिदमत है, अल्लाह तआला को सेहत दे सका, हमारी उम्र के साथ कमजोर है उनकी भी खिदमत है कि इन्होंने सरकार लोग मिलकर वहाँ पर उतर अपने वहाँ नशी याद लेकर के वहाँ करते हैं और वहीं पर अंजुमन को मुल्तान अदब नाम रखा गया, अदब के साथ जो साथी थे, तो वहाँ से वो मेहरबानी आशिया जयोग अंजुमन मेहरबानी अदब हो गया। हम लोग जाते सभी लोग आए बड़े बहुत लोग बहुत ज्यादा सुना करते थे। तो इस तरीके से हमीद शेख साहब इन नौजवानों के ये हौसला अफजाई के लिए बड़ी खिदमत है और हमारी दुआ है कहना था उनको बिल्कुल दोस्त में आया मुकाम का रुकना है और आप जैसे लोग आज यहाँ से वहाँ पहुंचे मजीद आगे बढ़े, मैं सोचता हूँ आप लोग लंदन हो सकता है पहुंच गए होंगे लेकिन नहीं पहुंचे होंगे तो लंदन ही आएंगे, वहां भी पहुंचेंगे और हमारे गांव नाम रख सकते हैं इस शहर का। मैं बात बता दूंगा हमारे गांव से बहुत ही प्यार रखता हूँ क्योंकि मैं बहुत 25 रुपये हाथी हूँ मजदूर का, तो जाहिर बात यहाँ हमारी गुर्बत दूर हुई, तो ये बहुत प्यारा शहर है, मोहब्बत और प्यार का शहर है, मिठास वाला शहर है, मसावात का शहर है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का जज्बा है उनके अंदर। इसलिए इस शहर को आप सबकी तरफ से उनके लोगों की तरफ से हमारी तरफ से इस शहर के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम इंटरनेशनल लेवल पर उर्दू अफसाना ग्रुप बना हुआ है जिसमें उर्दू मशहूर अदीब उर्दू के जितने भी मशहूर अफसाना निगार नामी निगारान शामिल है, मोहतरम इमरान जमील साहब और मोहतरम अफजाल सैयद साकी हसन साहब हैं, डॉक्टर शहरोज गावर साहब हैं जिन्होंने हमारे अपने शहर का नाम रोशन किया है उसके अंदर अपनी इनकी खिदमत की वजह से। बेशक ये हमारे बुजुर्ग शख्सियत
संविदा अधिकारी साहब की ही हौसला अफजाई का नतीजा है, जिसका अमन मेघवाल ने अदब हमेशा से इंतजाम करती रही है, इंतजाम करती है। इसके बाद में दावत दूंगा मोहतरम डॉक्टर इकबाल भट्टी सर को, जो तशरीफ लाए, और मोहतरम मरहूम अमित शेख साहब को तारीफ अपने तासरात पेश करें। आइए सदर मजीद मोहतरम इकबाल खान साहब, तमाम और मेरे सामने बैठे और अदब नवाज शख्सियात, हमीद शेख साहब और अंजुमन मुहिबान अदब, अगर मुझे उनके दोनों सिक्के के दो रूप हैं तो गलत नहीं। अंजुमन मुहिबान अदब से मैं ताहिर अंजुम की मार्फत मुतारिफ हुआ। ये कालबन 1995 की बात है, उस वक्त निसार भाई बैठे हैं, इनके स्टूडियो में इन लोगों की एक नशिश हुई थी। ताहिर अंजुम हमारे स्कूल में आए थे, वो किसी दूसरे टीचर को चाहते थे मधु करना, लेकिन वो अपनी मसूलियत के लिए उन्होंने मुझसे कह दिया कि एक बार तुम चले जाना हो। मेरे उस्ताद थे, मैं चला गया। मैं इनमें से किसी से वाकिफ नहीं था। वहाँ अंदर जब हॉल में पहुँचा, इनके स्टूडियो का जो अंदर का जो हॉल है, तो वहाँ सिर्फ एक शमासा चेहरा था, वो थे डॉक्टर इफ्तिखार साहब। मैं उनकी तरफ बढ़ता चला गया, बैठ गया वहाँ, नशी थोड़ी साल पर 19 अफसाने शायद पढ़े गए थे वहाँ पर, चाहे तो शायद याद हो। वहाँ पर उस नशी में पाँच अफसाने पढ़े गए थे, मेरे जहन में नहीं रह गया, पांच अफसाने। और उसके बाद जो उस पर तबसरे हुए, जिस किस्म की बातें हुई, अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज ताहिर की जो उम्र है और 1995 में क्या रही होगी। और लगभग इसी एज ग्रुप के लोग थे वहाँ बैठे, जाहिर सी बात है उनकी तकलीफ क्या रही होंगी। ज्यादातर अफसाने जो वहाँ पेश हुए थे लव स्टोरी से मुताल्लिक थे। वहाँ जो भी तबसरे हो गए और इसकी बातें हुई, लेकिन उसके बाद से ताहिर से मेरा एक ताल्लुक पैदा हुआ। ताहिर दो या तीन रोज के बाद मेरे घर पर आए और अपने कुछ अफसाने लेकर आए, और उसके बाद से ये सिलसिला चलता रहा। अब उन्होंने मुझको उसके बाद दावत दी कि यहाँ हम लोगों की नशिस्त होती है, वो मैं डॉक्टर महमूद बना वाला दवाखाने में। मेरे लिए बड़ा दुभर होता था सबक से उस कोने से लेकर उस कोने पर आना तो ठीक था, लेकिन जाना मैं जानता हूँ कि यहाँ कोनूर के पास से आगे बढ़ना उस वक्त क्या हालात थे और कैसे हम लोग गुजरते थे वो मैं जानता हूँ। और यहाँ इनकी नशिस्तें हम उमूमन दो बज जाते, वहाँ पहली मरतबा हमें शेख साहब से मुलाकात थी, वहाँ भी जिस किस्म के अफसाने पेश होते थे वो एक बिल्कुल इब्तदाई दौर के अफसाने थे। उस वक्त तो वहाँ और उसके कुछ ही दिनों के बाद फिर वो जैसा के सलीमारे साहब ने फरमाया, वो सरफराज हॉल में वो नशीतें होने लगी वहाँ पर। और मैं अक्सर उन नशिस्तों में हमीद शेख साहब को देखा करता था, बड़े दिस दिस होते थे, कभी कभी बड़ा जारहाना कह जाते थे, क्या मुझको मत बुलाना आप लोग।
आप लोग कुछ करते नहीं, आपको जो कहा जाए जो बताया जाता है आप उस पर अमल नहीं। उनकी एक जिद थी कि जो अलंकार यहाँ पर अपने अफसाने अपनी कविता पेश करते हैं वो मुताले को भी पढ़ाएं, अपने मुताले को उसका भी शौक पैदा करते थे। और वो अक्सर उस पर जोर दिया करते थे कि आप लोग थोड़ा सा लिखते हो तो पढ़ो भी, अगर आप 10 अफसाना पढ़ते हो तो एक अफसाना लिखो। ये उनका हर वक्त का, और कभी कभी बड़े बरहम होते थे और ये भी इजहार करके करते थे कि अब मैं नहीं आऊंगा। दूसरी नशिस्त का ऐलान होता था, जब मैं पहुंचता था तो हमें सब पहले से वहां मौजूद थे। शायद ही कोई ऐसी नशिस्त हो जिसमें हमीद शेख साहब शामिल ना रहे। फिर जब खत्म हो जाती थी, कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग साथ में निकलते थे, उस वक्त हमीद शेख साहब को पढ़ने का मौका मिलता था, उनका दिल देखने का मौका मिला, उनके ख्याल जब तन्हा होते थे तो वो समझाते थे कि यार एक बार उनको अगर हम लोग इस तरीके से डांटे पड़ता है ना तो ये रुक जाएंगे, और अभी से जो हम लोग वहाँ थोड़ी सी इनकी जिजुई के लिए वाहवाही करते थे तो ये उसी पर रह जाएंगे और आगे इनके पढ़ने की जो तमाम वो है वो सारी राहें मजबूत हो जाएंगे। इनका जितना मुताला पड़ेगा उतना इनके कलम में निखार आएगा। एक मरतबा मुझको याद है शायद इमरान जमील बैठे हैं, हम लोग वहाँ ताज पर भी बैठे थे काफी टाइम उन्होंने नहीं बैठ गया था, उस वक्त भी हमें शेख साहब इन्हीं ख्याल का उनको जब भी देखता था तो मुझको फैज का वो शेर याद आता था कि हम परवरिश लव कलम करते हैं। मैं कहता हूँ हमें शेख साहब ने ये परवरिश लव कलम की है अंजुमन मुरीबा नगर के, आज जो कलमकार जिनके अफसानों पर कश्मीर से डॉक्टर प्रोफेसर रियाज तौहीदी या प्रोफेसर मुश्ताक वानी अगर तबसरा करता है तो ये इन मुहिबा ने अदब के कलमकारों पर तबसरा नहीं है बल्कि ये उसका समरा है जो हमीद शेख साहब ने ये जो जिन पौधों की आज्ञारी की थी ये उनकी मेहनतों का समरा है। मैं समझता हूँ कि ये तारीफ और ये इसके क्रेडिट के हकदार हो हमीद शेख साहब। वो इस तरीके से चाहे जितना, एक आध मरतबा ऐसा हुआ कि कहीं मिल गए सरेरा, थोड़ी देर इधर उधर की गुफ्तगु होती रही और उसके बाद आकर महिमा ने अदब की नशिस्तों पर, पिछली नशिस्तों पर, उनके अफसानों पर और उस पर फिर तबसरा चल गया। एक खास बात मैंने ये देखी उनमें, जैसे बाज औकात महिमा ने अदब की वो जो इब्तदाई अंजुमने होती थी कभी कभी बड़ी तल्ख यानी हो जाती थी, तेज हो जाती थी गुफ्तगु, तेज हो जाती थी और उसमें अक्सर महिमा ने अदब की नशिस्तों के जो श्रोता होते थे उनका एक कहने था कि हम लोग इसलिए आप लोगों को जेब देते हैं कि उससे आप लोग जब बरहम होते हैं और बोलते हैं तो हम लोगों को सीखने का, ये सही है। उस वक्त अहमद उस्मानी साहब या इलिया सिद्दीकी साहब और दीगर लोग जो तबसरे करते थे, जो बातें रखते थे, उससे वाकई इन लोगों को सीखने का मौका मिलता था। या अमित शेख साहब जो जिन ख्याल का इजहार करते थे और जिस तरीके से एक एक लफ्ज पर वो करते थे तो उससे अंदाजा था कि उन्होंने कितना मेहमान अदब को कितना ज्यादा अपने दिल में बसाया था। वो मैं समझता हूँ ये एक अंजुमन नहीं थी बल्कि उनकी औलाद मानवी थी जिसकी वो परवरिश कर रहे थे, और मैं समझता हूँ कि चाहे जितना अंजुमन के अराकीन तरक्की कर जाए उनके कहीं ना कहीं उनके पांव जो है वो हमीद शेख साहब के कांधों पर नजर आएंगे। अगर हम तलाश करेंगे तो वहां पर वो उनके कांधे जरूर मिलेंगे। एक और बात, मरहूम शनास भी बहुत थे। अभी
अक्सर यहाँ पे सलाम चाचा रोड पर वो रात को आते थे अपनी गाड़ी पर, मुलाकात हो जाती थी थोड़ी देर इधर उधर की फिर कुछ बातें। वो दिल्ली गए हुए थे कुछ पहले, दिल्ली गए थे साकिब गौहर और वो दोनों गए थे, वहाँ उन्होंने बच्चों के अदब पर जो सेमिनार हुआ तो उसमें शिरकत भी की थी। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में उन्होंने एक तकरीर भी की, और वो तकरीर इतनी 5-7 मिनट की तकरीर थी, और वो वहाँ उनका आधा कौन घंटा से तो गया होगा रेलवे स्टेशन पर, जिन लोगों से मुलाकात हुई, जिन लोगों से बात हुई, आने के बाद जब हम लोगों की मुलाकात हुई, उन्होंने जो एक एक दो दो लफ्जों में या जिलों में उनका तबसरा उन पर तबसरा किया, तो बाद के तजुर्बात ये बताते हैं कि हम अमित शेख साहब की जो जिन्हें बसीरत थी वो वाकई लायके देखते हैं। बिल्कुल उनके तबसरों पर वही वो शख्सियात पूरी वैसी वैसी थी। क्या मैं उस वक्त सोच रहा था जब वो उनसे बात हुई रात में, मैं उस वक्त भी सोच रहा था, जिस वक्त उनकी मैयत की खबर मिली और वहाँ कब्रिस्तान में, उस वक्त भी मेरे जहन में ये बात नहीं मिली थी, इतने वर्षों से अमित शेख साहब अंजुमन निर्माण अदब के साथ जूझ रहे थे, क्या इनके अराकीन का इन्होंने तजिय नहीं किया होगा। लेकिन कुर्बान जाइए आपकी शख्सियत, मैं गुज़श्ता 20-25 साल का उनका हमारा ताल्लुक है, लेकिन कभी मैंने उनके मुंह से किसी भी रूप के ताल्लुक से कोई निगेटिव जुमला नहीं सुना। ये बहुत बड़ी बात थी। अब मेहनत करें अजब आजाद मत, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने नहायत तफसील के साथ में मोहतरम अमित शेख साहब की हयात खिदमत के मुख्तलिफ कोशों पर रोशनी डाली। एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आप हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। यहाँ पर तासरत का सिलसिला किया जाता है और प्रोग्राम की जो दूसरी कड़ी है अफसाने की, मैं सबसे पहले पेंटर नफीस अहमद साहब को रहमत दूंगा, दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाए और अपना अफसाना देख लिया वो पेश करें। अफसाना पेश करने के बाद तमाम आदमी को इसके ऊपर तनकीद और तबसरे की आज़ादी रहेगी। अफसाने के बाद में जो भी आपको जैसा भी महसूस हो रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।